कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा भ्रष्टाचार और ठेके पर है केजरीवाल सरकार। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल की पावर बढ़ाई, दो नए अधिकार दिए, अब दिल्ली के एलजी सक्सेना और मजबूत हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से की मुलाकात, बोले अगले 3-4 महीने में चारधाम यात्रा शुरू होगी। न्यूजीलैंड के पीएम जैसिंडा अगले महीने इस्तीफा देंगी, बोली वक्त आ गया है, इतनी हिम्मत नहीं कि 4 साल और नेतृत्व करूं। न्यूजीलैंड से 4 साल बाद जीता भारत, पहले वनडे में 12 रन से हराया सीरीज में 1-0 से बढ़त। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर में सीबीएसई नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 19 गर्ल्स में भूमिका कपूर व आदिका गुप्ता ने कांस्य पदक जीत के कानपुर का नाम रोशन किया है। दोनों छात्राओं की जोड़ी ने कांस्य पदक जीत कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसमें बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत जैसे तमाम देश विदेश के लगभग 120 विद्यालयों ने भाग लिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य भावना गुप्ता ने कोच सैयद जिशान अली, भूमिका व आदिका को इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भूमिका कपूर ने प्राइम टीवी से बात करते हुए बताया कि मुझे अब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना भविष्य देखना है और कड़ी मेहनत करके गोल्ड मेडल तक का सफर तय करना है। भूमिका जी, आपने नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मेरे कोच जो इतना अच्छा सिखाते हैं, और फिर हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने उन पे भरोसा करा और हमें भेजा नेशनल्स खेलने के लिए। भविष्य में स्पोर्ट को लेके आपका क्या प्लान रहेगा और आगे क्या क्या सोचा है आपने? पहले तो मेरा एजुकेशनल लाइन में ही था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अगर मैं प्रैक्टिस और अच्छे से करूँगी तो मैं आगे चल के स्पोर्ट्स में भी अपना भविष्य बना सकती। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के दिशा निर्देश में पुलिस ने बड़ा फर्जी दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। बता दें कि एडिशनल डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई की, जिसमें 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने 4 करोड़ में फर्जी कागजात बनाकर जमीन बेची थी। साथ ही पुलिस ने 23 लाख बरामद कर 80 लाख बैंक अकाउंट में सीज करवाए। वहीं 60 लाख की खरीदी की जमीन की कुर्की होगी। सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क होगी। स्थित जो जमीन है उसका कुछ एक गिरोह के लोगों ने मिलकर उसका फर्जी तरीके से बैनामा एक थर्ड पार्टी को कर दिया है, और इसके संबंध में उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 432/22 थाना एतमादपुर दर्ज उस पर दर्ज करवाया। और जब ये उनको संज्ञान में आया कि उनकी ज़मीन की जो है वो लगभग 4 करोड़ रुपए में सौदा हो गया और उनकी ज़मीन जो है वो फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्तियों के पास चली गई है, इसी चीज़ से आहत होकर उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में थाना कमला नगर पर मुकदमा अपराध संख्या। फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान में बरामद 7,000 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई गई। इस बात की जानकारी एसडीएम शिकोहाबाद ने खुद दी है। शराब को नष्ट किया गया है, कितने मुकदमे हैं और कितने लाख की शराब हुई? देखिए, लगभग जो है 49 मुकदमे में 7,000 लीटर शराब है, अनुमानित कीमत ये मान के चलिए कि लगभग 7 लाख से ऊपर। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र से है, जहां रमाबाई डिग्री कॉलेज में 6 छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा।
बता दें विद्यालय परिषद में शौचालय ना होने के कारण छात्राओं को स्कूल में जाना पड़ता है। स्कूल के बाहर बाहरी छात्र विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी करते हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ता और छात्र छात्राओं ने धरने पर बैठकर स्कूल में शौचालय बनाने की मांग की है। कैंपस के छात्र एवं हम भी कैंपस के छात्र हैं और ईशान और दीप जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यह अपनी मांगों को रखा है प्रोटेस्ट के रूप में। और इससे पहले भी 6 महीने से लगातार हम प्राचार्य जी से निवेदन करते हुए आ रहे थे कि आप सब ये चीजें अव्यवस्थित नहीं है, आप ठीक करने की कृपा करें, आप ठीक करें, पर प्राचार्य जी ने एक भी बार उस विषय को सुनने की वो नहीं करी और न उन्होंने सुन के दिया। तो आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और कैंपस के छात्रों को मजबूर होना पड़ा है और ये आंदोलन करना पड़ा है। और हमारी मांगे अभी प्राचार्य जी से पहले जब हमारी बात हो रही थी तो हमने अपनी मांगे बताई। फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर न्यायाधीश हरवीर सिंह के डायरेक्शन में आगामी 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। मिले सूत्र के मुताबिक लोक अदालत को लेकर कोर्ट के द्वारा पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस बार लोक अदालत में 1 लाख से लेकर 2.25 लाख मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी में 11 फरवरी को नियत है, उसके लिए हमने करीब 1 लाख वादों का लक्ष्य रखा है। जहाँ तक पुराने जो लोक अदालत हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी उसमें नियर अबाउट 77,000 केसों का निस्तारण हुआ था और इस बार हमारा और उससे ज़्यादा बढ़कर की कोशिश प्रयास रहेगा कि उसमें हम लोग अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित करवाएँ। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है, अधिक से अधिक पक्षकारों को जिन वादों को लगवाकर उसमें निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिला एटा की ओर से शिकोहाबाद की तरफ आने वाले गौवंश कैंटर बंद गाड़ी को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस को देखकर गौवंश तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे, तभी पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर भागते वक्त पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। वहीं पुलिस ने मौके पर 2 अभियुक्त गढ़ को अवैध के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए इंस्पेक्टर शिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे एफसी गुड़गुड़ौन के पास इस ट्रक की घेराबंदी की। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोग तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है। उसके बाद इसको लगकर के वहाँ पे फरीदाबाद की सेक्टर 23 संजय कॉलोनी गली नंबर 23 में अवैध रूप से चल रही वर्कशॉप की सीएम विंडो पर महिला ने शिकायत की तो गली में चल रही दूसरी वर्कशॉप संचालक और उसके बेटे ने महिला उसके पति और सास की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक बीते 17 जनवरी की ये घटना बताई जा रही है। वहीं इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत फिर से थाने जाकर की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में गली नंबर 23 है। अच्छा, तो वो उस पर हमने सीएम विंडो पे काफी टाइम पहले से भी हमने प्यार से भी उनको समझाया था 5-6 बार लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद है ना वो तहसील से ना कुछ मतलब आए थे तहसीलदार वगैरह जो है वो आए थे तो उन्होंने ना चेकिंग वगैरह चेक किया और मशीन वगैरह भी देखा था आज। हाँ जी आज आया था, मैं ऑफिस में थी 1 नंबर में ऑफिस, मेरे पास कॉल आई थी मेरे हस्बैंड की तो उन्होंने बोला आ जाओ तो मैं आई थी 1 घंटे का पास लेके। सब पड़ोस वाले आ गए कि भैया हमें दिक्कत है, मुझे उनके हथौड़े बजाने से मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई। ताकि हमारे पास मेडिकल भी है, एक इनकी वाइफ है उसके बाल बच्चे होने था उनको मैंने घर भेज दिए, उनको दिक्कत होने लगे सर में दर्द रहने लगा। मैंने कहा बेटा कोई नहीं तुम घर हो, यही बात से लेकर चेकिंग वाले आए लड़के चले गए उसको छोड़ने
और उसके बाद जो है वो बहस करने लगे, ऐसे ही पड़ोस में जिसका कंपनी था उससे बहस होने लगी। वो आया 4-5-7 घर छोड़ के, वो कंपनी है उसका, उसने आया आकर के मेरे से बात करने, मैंने कहा भैया तुम भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम अपने जगह पे चले जाओ। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ेंगे। मनोज, महिला की पिटाई की गई है दबंगों द्वारा, क्या वजह है पिटाई की, क्या कुछ पूरा मामला है? बता दें फरीदाबाद के सेक्टर 23 की ये घटना है, जहां पर कल दोपहर के समय इनमें जो कंपनी एक गली में खुली हुई है जिसका विरोध गली वाले लोग कर रहे थे, जिसको लेकर जो महिला है शिकायत करता उसने सीएम विंडो को भी शिकायत दी थी, जहां से अधिकारी उस कंपनी का चेक करने आए थे कितना शोर है क्या कुछ, अधिकारी उस वहां पर संज्ञान लेने आए थे कि लोगों की जो शिकायत जो लगातार आ रही है क्या मामला है। अधिकारी के आने के बाद जो कंपनी संचालक है वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए, जिसको लेकर जो शिकायत करता है उसके घर जाकर ताबड़तोड़ उस पर हमला किया है, चाहे वो महिला हो लड़की हो या बच्चे हो सबको बुरी तरह से पीटा है। और कुछ जो युवा भी इस वीडियो में दिख रहे हैं, बाहर के जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं बुलाए हुए हैं। और ये कल का वाक्य है और कल से लेकर आज तक ये वीडियो भी फरीदाबाद में तेजी से वायरल हो रही है। और पुलिस की तरफ से अगर पुलिस को भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, पुलिस कह रही है जांच चल रही है, पर पुलिस भी अभी इस मामले में कुछ भी बताने के लिए जो तैयार नहीं है। और इस तरह से जो महिला को सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान उठता है। जी धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियों के लिए। रायबरेली में गदागंज थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लगी है जबकि दो अन्य फरार हैं। फरार गौ तस्करों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। वहीं पुलिस ने ट्रक की जांच की तो उसमें 28 गौवंश मिले। पुलिस फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। एक रईस नाम का 43 साल का व्यक्ति राम सनेही पुलिस द्वारा लाया गया है। जो राम सनेही पुलिस हैं ये गदागंज थाने के रहने वाले हैं और जो रईस लाया गया इसके बाएं पैर में गोली लगी है। बाकी ये गोली कैसे लगी कांस्टेबल द्वारा यही पता चला कि मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ में गोली लगी है बाएं पैर में इसके। जो ये जिसको गोली लगी है ये औरैया जिला का रहने वाला है। बाकी आज शाम को चेकिंग के दौरान चोब नाला बॉर्डर जो गदागंज और ऊंचाहार के बॉर्डर पर है वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि एक गोवंश से लदा हुआ टैंकर जा रहा है। इस पर इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची और उसने जो है वो टैंकर को रोकने की कोशिश की तो टैंकर को खड़ा करके उसमें से तीन व्यक्ति जो है वो फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।